अभी अभी हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो मनाई? तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। कहती थी ना, अमल तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। सही कहा तुमने कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आज भी अमल से ही मोहब्बत करता हूँ। रेहान, जब देखो अमल अमल अमल, देखा तुमने कैसे मतलब पे गिरगिट की तरह रंग बदल लिया उसने। लेकिन वो क्या है ना, अकल के अंधों को कभी समझ ही नहीं आता। देखो रेहान, तुम जज्बाती होकर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोचो। मेरे अलावा किसी के साथ नहीं खुश रह सकती। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को उसके पीछे? मिनाइल, अगर अमल से मोहब्बत करने की सजा बर्बादी है तो मुझे इस सजा मंजूर। मैं सारी जिंदगी इस सजा को भुगत लूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैंने भी तुमसे मोहब्बत की, इंतजार करूंगी तुम्हारा। देखना, एक दिन तुम खुद मेरे पीछे चलकर आओगे। फाइजा आप ही से मिलते जाती, लेकिन जो काम करने आई थी वो कर लिया। चलती, बाय। ओ, एक बात याद आई, शाजिम वापस आ गया। वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे नहीं पता। कांटेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा। आखिर पुराने दोस्त हैं हम लोग। एक काम करते हैं ना, दोनों मिलने चलते हैं उससे, कल पहले की तरह एंजॉय करेंगे। नहीं मिनाइल, पहले जैसा कुछ भी नहीं है, ना मैं पहले जैसा हूं और ना ही हालात। और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। चलती हूँ। सहीन, बहुत ओवर हो गया है। क्या हो गया माँ? एक्टिंग कर करके थक गया हूं मैं। जो मॉम ने अमल की सूरत में मुझे जख्म दिया ना, उसके दर्द को दूर करना चाहता हूं। तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो, या फिर मुझे सुनाने के लिए सब बातें कर रहे हो? जबरदस्ती की शादी से कौन खुश हो सकता है बताओ मुझे? तुम खुश हो सकती हो? नहीं ना, मैं भी खुश नहीं हूं। खुश नहीं हूं मैं। तुम अगर चाहते ना तो इस शादी से इनकार भी कर सकते थे। मैंने तो तुम्हें बहुत बार मना करने की कोशिश की। अरे मॉम, मॉम जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है मेरी। उनकी जिद है कि मैं शादी करूंगा तो अमल के साथ ही करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो सारी जायदाद सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं देंगी, खाली हाथ रह जाऊंगा मैं। एक बार अपना फैमिली बिजनेस मैं अपने हाथ में कर लूं ना, उसके बाद उस अमल का वो हशर करूंगा कि वो याद रखेगी। देखना तो
किसी को बताना मत, किसी को भी नहीं। आंटी इसकी शादी के लिए क्यों जिद कर रही हैं? आपी, राफे, आओ। आपी, ये आपके लिए गिफ्ट बनवाया है। इसमें क्या है? देखे? पार्टन। बहुत खूबसूरत है राफे, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। वेलकम आपी। आपको पता है ये गिफ्ट बनवाने में रेहान भाई ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। रेहान? आप ही, रेहान भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि आपसे हमारे घर नहीं आएंगे। वो क्या आपकी उनसे लड़ाई हुई है? नाराज हैं आप उनसे? नहीं राफे, मैं किसी से नहीं नाराज। अब जाओ शाबाश, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर हम बैठ के बहुत सी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है आप। शाबाश। जबरदस्ती की शादी से कौन खुश हो सकता है बताओ मुझे? तुम खुश हो सकती हो? हेलो। हे अमल, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर ढूंढना कोई मुश्किल काम है क्या? नंबर बदल लिया और बताया भी नहीं। क्या बात है शासिम, क्यों फोन किया तुमने? थैंक गॉड कि तुमने मेरा नाम तो लिया। खैर, हाउ आर यू? ठीक हूँ। तुमने क्यों कॉल किया? क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता क्या? पहले तो तुम रोज मेरी कॉल का वेट करती थी, याद है ना तुम्हें? एक दिन अगर मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से घर आके कॉल नहीं करता था तो तुम कितना परेशान हो जाती थी। हो अमल, तुम्हारा वो रूठना मनाना मैंने बहुत मिस किया, इसलिए मैं तुम्हें मिस नहीं कर सकता। अमल, जहीन तुम्हें चीट कर रहा है यार, वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, और ये शादी वो अपनी मॉम के कहने पे कर रहा है। जानती हूँ। क्या तुम जानती हो फिर भी जहीन से शादी करना चाह रही हो? एक एक चीज मैचिंग करने वाली लड़की एक बेजोड़ रिश्ते में कैसे जुड़ सकती है? अमल, जहीन किसी भी तरह तुम्हें डिजर्व नहीं करता। बात ये नहीं है शासिम, बात किस्मत की है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं उसी को डिसर्व करती हूँ। अमल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो यार? देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और तुम चाहो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। मैं खुद सोनी आंटी और कासिम अंकल से बात करूंगा और अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा। अब ये नहीं हो सकता। जहां तक बात यूनिवर्सिटी में रूठने मनाने की थी, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, थी। अब मेरी जिंदगी में इन चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
लेकिन अमल, मामा बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अमल बाय।